खुद का गला दबाते थे कैसा लगा? वो भी आप हैं, ये भी आप हैं। हाँ, जब मैंने दबाया था तो मैंने हल्के से दबाया था, जब मेरा कोई दबा रहा था तो वह जोर से दबा रहा था। एक तरफ पिताजी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, भी अपने गले दबा रहे हैं। हाँ, बिकॉज हम लोग सब सरप्राइज है कि सडनली जब बाबा उठते हैं बेहोशी की हालत से तो सडनली मेरा गला दबाते हैं और कहते हैं मैं तुझे मार डालूँगा, मुझे मार डालूँगा। सो सब शॉक थे कि बाबा मुझे क्यों मारना था, कि अभी तो ठीक थे। और हम उन्हें हॉस्पिटल लेके आए ताकि वो हीरो बन जाए वो के लिए। सो एवरीवन, वो मेरी शादी है ना, शायद वही सब। तो अब डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्रिटिकल है, जो सालों से हम पुराने पिक्चरों में जो डायलॉग है ना, इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज यू नो जस्ट गेटिंग इन टू द लुक ऑफ इट एंड द फील ऑफ इट, बिकॉज एक ही दिन में आप अलग अलग यू नो किरदार प्ले कर रहे हैं, एक एकदम यंग और एक एकदम ओल्ड। तो थोड़ा वॉइस चेंज में कभी कभी जब थोड़े हैवी सीन्स होते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली चेंज, आई एक्चुअली चेंज माई वॉइस एंड स्क्रीम एंड स्टफ, तो वो दर्द होता है। बट नाउ आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। सबसे वो लगता है जब रेडी होना होता है पूरे गेटअप में, दाढ़ी वॉट इज़ एंड उसके बाद मतलब व्हेन आई फिनिश डूइंग सीन्स ऑफ द फादर, उसी सीन में जब ऋतिक होता है मुझे जाके यू नो पूरा निकाल के क्लीन करके दोबारा मेकअप करके ऋतिक के लिए रेडी होना पड़ता है। सो दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन वन डे, बट अगेन आई विल से आई एम यूज्ड टू इट। पता नहीं किन किन जानवरों से पाला पड़ेगा इस शो। Thank you.